ना मीटर रीडर को किसी चीज़ का, उसको भी 20 बार बता चुके हैं, वो हमारे गांव वाला है वहाँ का, उसको भी कोई परवाह नहीं होती, वो भी बिल दे के आ जाता है। महकमे में आओ ये कहते हैं जी हमारी गलती नहीं है, ये मीटर रीडर की गलती है, ये फलां की गलती है, ये वो है, ये एक्सीन के पास चले गए, उसने कहा जी ये मीटर रीडर की गलती है। मैंने कहा जी आप अपनी सैलरी में से कटवाओ ये पैसे, तो या मुझे बिल देना मेरी रीडिंग के हिसाब से एक्स्ट्रा बिल दे रहे हैं ये 30,000 रुपया, मैं कहाँ से जमा करवाऊँ इनको 30,000 रुपया? मैं कोई चोरी तो करता नहीं हूँ ना, ये यहाँ पे चोर बैठे हुए हैं, ये सारे हैं ही चोर हैं ना, सारे चोर हैं, कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है। मैं इनको कहता हूँ मुझे लीगल बिल चाहिए, मुझे लीगल बिल चाहिए, मुझे लीगल बिल दें। कोई बिल इनको टस से मस नहीं हो रही। आप एक महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, मैं आया हूँ एक महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ महकमे के, कभी एक के पास भेज देते हैं, कभी दूसरे के पास भेज देते हैं। आज तो मैंने कहा था कि मैं इसको फायर मारूंगा जो भी लाइन मैन आया, मीटर रीडर आएगा रीडिंग करने के लिए, मगर अफसोस के वो मेरे सामने नहीं आया। कल ये अंदर जाके देखें, कंप्लीट सारे अखबार हो रहे हैं, किसी आज SDO नहीं है, आज XCN नहीं है, आज फलां उम्रे पे गया हुआ है, फलां हज पे गया हुआ। यार आप सैलरियां किस चीज़ की लेते हो? अवाम की लेते हो ना यार, इनको डील करो आप। अपनी यशी की तो नहीं सैलरियां दे रही गवर्नमेंट आपको, किस चीज़ की दे रही है? हमारा टैक्स कटता है वहाँ पे, मैं टैक्स पेडर हूँ, मैं ज़र मुबादला लाता हूँ मुल्क के अंदर, इनको परवाह ही नहीं है इस चीज़ की कि क्या है क्या नहीं है। ये बिल्कुल, ये कोई महकमा नहीं है, ये सब बकवास है।